तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स टीनेज बॉयज और टीनेज गर्ल्स के बारे में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर हमें किसी भी टीनेजर्स को अच्छे से समझना है तो हमें उसकी साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। पबर्टी के दौरान टीनेजर्स की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने के कारण उनकी बॉडी में कुछ बदलाव होने लगते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगती है, और यही वजह है कि क्यों आज के टीनेजर्स इतने एग्रेसिव रहते हैं और वो क्यों इतनी रिस्की बिहेवियर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि 40% से ज़्यादा लड़के जो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में पढ़ते हैं वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, ये गोल लेकर कि उन्हें अपना मसल मास को किसी भी हालत में इंक्रीज करना ही है। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों में पबर्टी के दौरान उनकी बॉडी में कुछ अलग से ही चेंजेस होने लगते हैं। पबर्टी के दौरान लड़कियों में नेगेटिव इमोशंस बढ़ने लगते हैं और उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी लड़कों से ज़्यादा नेगेटिव रहती है। सारे टीनेजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शाइनेस यानी कि शर्म होती है। टीनेजर्स अक्सर लोगों से बात करते वक्त घबरा जाते हैं और वो उनसे बहुत ज़्यादा शर्माते भी हैं। एक स्टडी में ये पाया गया है कि टीनेजर्स अक्सर लेट से सोते हैं और वो लेट से ही उठते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन, जो हमारे ब्रेन के एक पार्ट पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करती है, मेलाटोनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होती है स्लीप वेक साइकिल के, और ये साइकिल पहले से ही टीनेजर्स में लेट सेट होती है। कॉमन सेंस मीडिया से आई गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एवरेजली टीनेजर्स अपनी ज़िंदगी के हर एक दिन लगभग 9 घंटे यानी कि 9 hours स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। लाइफ हमारे लिए और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है जब हमें पता चलता है कि जो समय अभी हम जी रहे हैं वो हमारी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगी। 70% से ज़्यादा टीनेजर जिनकी उम्र 15 से 17 साल होती है वो रोज़ के काम जैसे कि स्कूल जाना को अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अच्छे नहीं दिखते। एक स्टडी में ये पाया गया है कि गर्ल जिनके पास फीमेल फ्रेंड से ज़्यादा मेल फ्रेंड्स होते हैं वो अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश रहती है। महान फिजिसिस्ट आरपी फेमान ने यह कहा था कि द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ को अच्छे से समझना है तो आप उसे दूसरे को समझाना शुरू कर दीजिए। पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका पोमोडोरो टेक्निक को माना जाता है। इस टेक्निक के मुताबिक हमें हर 25 मिनट्स पढ़ने के बाद 5 मिनट्स रेस्ट लेना चाहिए जिससे हमारे रिटेंशन पावर इनक्रीज हो। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि पढ़ने से पहले चॉकलेट खाने से हमारा कंसंट्रेशन और बढ़ता है और हम आसानी से न्यू इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाते हैं। उन लोग जो वीडियो गेम खेलते हैं उनको लूसिड ड्रीम्स आने की संभावना ज़्यादा होती है उन लोगों से जो नहीं खेलते। लूसिड ड्रीम मतलब होता है सपने में ये जानना कि हम सपने देख रहे हैं और उसे कंट्रोल कर पाना। इंटरनेशनल यूथ डे पूरे वर्ल्ड में 12th ऑफ अगस्त को मनाया जाता है। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।